नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ऑनलाइन ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑयल पेस्टर और एस लेटर की हेल्प से इंडिपेंडेंस डे पर बहुत ही खूबसूरत सा चित्र बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर आपको दो कलर यूज करना है, एक हमारा ऑरेंज कलर है, इसके बाद आप यूज करेंगे ग्रीन कलर। इन दोनों कलर का यूज करना है दोस्तों। पहले आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से ऑरेंज कलर इधर लगा दीजिएगा। आप इस तरह करिएगा, यहाँ पर फ्लैग शेप में हल्का सा लहर दौड़ा दीजिएगा ऊपर नीचे की तरफ, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आप सेम प्रोसेस यहाँ पर भी से रिपीट कर दीजिएगा। और दोस्तों, चलिए इसको पहले कलर लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे आपको ड्राइंग कैसे बनाना है। अब दोस्तों, आपको एक डार्क पेंसिल लेना है, इसकी हेल्प से आप यहाँ पर पहले एक एस लेटर लिख दीजिएगा। इस तरह आप एक एस लेटर लिख देंगे, ये हो गया हमारा एस लेटर। एस लेटर लिखने के बाद ऊपर के साइड से आप ऐसे डबल करिएगा, फिर यहाँ से आप हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए ऐसे ले जाइएगा और बाहर की तरफ करेंगे, फिर यहाँ पर आप एक बड़ा सा हाफ सर्कल बना दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको इसको ऐसे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना होगा। इस तरह बढ़ाइएगा इसको, थोड़ा सा हम और नीचे की तरफ ले जाएंगे। फिर एक यहाँ पर आप ऐसे हल्की सी लाइन ड्रॉ करिएगा वी लेटर लिखते हुए, फिर नीचे की तरफ यहाँ पर मिला दीजिएगा। इसी तरह आप यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे। रिपीट करने के बाद आपको हल्का सा ऊपर नीचे की तरफ करना होगा। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रा करिए, इसको डबल करिए और आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ पे लाकर आप छोड़ दीजिएगा। इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करिए, फिर इसके बाद एक सर्किल बनाइएगा, बीच में छोटा सा डॉट बनाएंगे और आगे की तरफ बढ़ाइएगा। यहाँ से भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, आपको इसी तरह आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना होगा। ये हमारा पिकॉक बन के तैयार हो जाएगा। अभी पूरा पिकॉक नहीं बना है दोस्तों, यहाँ से आप इसकी चोंच बना दीजिएगा, थोड़ी सी बड़ी बनाइएगा, ये हो जाएगा। इसको हम ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसे कर देंगे और थोड़ा सा इसको मोटा कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करना होगा और यहाँ पर ऊपर के साइड में छोटे छोटे आप बहुत ही आसान तरीके से लीव्स बना दीजिएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको इधर छोटी छोटी लाइनें ऐसे ड्रॉ करना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं और इसको पेंसिल की हेल्प से पूरा डार्क कर देते हैं।
हूँ।